हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग बता रहे पालू आप किस तरीके से रेनी सीजन में आप अपने एडेनियम प्लांट को सेफ रख सकते हैं और किस तरीके से केयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाए। तो चलते वीडियो की तरफ। तो बाकी मौसम की तुलना में आपको रेनी सीजन में एडेनियम प्लांट को थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पर इस प्लांट को फंगस लगने के चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में हर टाइम बरसात होता है, तो ज़्यादा पानी से इस प्लांट को फंगस आ सकता है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा एडेनियम प्लांट करीब 4 साल का हो चुका है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से आपका भी प्लांट एक पॉट पे लगा हुआ है तो उसे खुले आसमान के नीचे मत रखिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बरसात होगा तो इसके रूट्स में हमेशा पानी जम के रहेगा और इसका जो रूट्स है धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो इसे आप खुले आसमान के नीचे मत रखिए, इसे क्या होगा दोस्तों, फंगस भी इस प्लांट को बहुत ईजिली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, खुले आसमान के नीचे नहीं रखना, किसी बालकनी वगैरह या आप कोई भी स्पेशल जगह इसके लिए बना भी सकते हैं, तो उस जगह इस प्लांट को आपको रख देना है। तो यहाँ पर आपको और एक काम करना पड़ेगा, तो जिस जगह पे आपने इस प्लांट को रखा है वहाँ पर सनलाइट आता हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो दोस्तों इस प्लांट के ग्रोथ पर इफ़ेक्ट आने वाला है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्लांट पर आपको एक चीज़ अप्लाई करना है, वो दोस्तों फंगीसाइड। तो हर 15 दिन में एक बार आपको बेबिस्टिन अप्लाई कर देना है। तो किसी भी तरीके का आप फंगीसाइड अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बेबिस्टिन अप्लाई करता हूं, तो मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा फंगीसाइड। तो हर 15 दिन में एक बार आपको क्या करना है, पानी में घोल के इसमें दे देना है, और 15 दिन में आपको क्या करना है, पानी में घोल के इसके जो पत्ते वगैरह है इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इसके पत्ते वगैरह भी अच्छे रहेंगे और रूट्स भी अच्छे रहेंगे। तो महीने में 2 बार आपको अप्लाई करना है, एक बार रूट्स पे और एक बार इसके सारे पत्ते पे और ब्रांचेस पे। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट है हेल्दी रहने वाला है और किसी भी तरीके का फंगीसाइड आपके प्लांट पे नहीं आने वाला। अगर दोस्तों आपका जो प्लांट है मिट्टी में लगा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, आपका जो ट्रंक है जहाँ पर, वहाँ पर अच्छे तरीके से मिट्टी दे दीजिए और मेक श्योर कीजिए बरसात के टाइम पर उसके जो रूट्स है वहाँ पर पानी ना खड़ा होता हो। तो इस तरीके से आप अपना जो एडेनियम प्लांट है उसे केयर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, किस तरीके से रेनी सीजन में एडेनियम प्लांट को केयर करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में दे दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुलाकात होगी और एक नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।